ओके, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये दो डेक्स मैं यूज़ करूँगी। इस डेक से हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या है, वो आपसे प्यार करते हैं या आपको धोखा दे रहे हैं। और इस डेक से भी हम चेक करेंगे कलेक्टिव एनर्जीज़ क्या निकल कर आती हैं। ठीक है, सो वन बाय वन हम कार्ड्स लेंगे, शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स, जिनके भी सामने ये रीडिंग आएगी, जब भी आएगी, क्या उनके पार्टनर उनसे प्यार करते हैं या धोखा दे रहे हैं? प्लीज़ गाइड करें, उनका प्यार सच्चा है या धोखा है? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। विल टेक कार्ड्स, जितने भी एंजल्स देना चाहेंगे, कोई लिमिट नहीं है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स उनसे प्यार करते हैं या धोखा दे रहे हैं? प्यार है या धोखा? वाओ, प्यार है या धोखा एंजल्स? बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द टावर। हो सकता है द टावर का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आप में से कुछ लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, नो कॉन्टैक्ट में है, राइट? यहाँ पर जो साइंस आए हैं, पहला साइन यहाँ पर अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन में आता है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, ठीक है, मकर, कन्या, वृषभ। उसके बाद हमारे पास है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। फिर है वी हैव एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ठीक, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको लेकर, पहला ही कार्ड आया है फोर ऑफ पेंटिकल्स, ही इज़ वेरी मच पॉजिसिव, वेरी मच पॉजिसिव। यहाँ पर देखिए, ये इनके पास मल्टीपल जो चॉइसेस हैं, जैसे एक तरफ इनका बिजनेस है, एक तरफ इनकी फैमिली है, एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई अदर सिचुएशंस हैं, बट यहाँ पर ये सब कुछ होते हुए भी ये अनसेटिस्फाइड हैं जब तक आप नहीं हैं इनके लाइफ में। बहुत ज़्यादा पोजीशन है, स्पेशली न्यू मून या फुल मून को इनकी पोजिसिवनेस एक्सट्रीम पे चली जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे। आपको लेकर केयरिंग कनेक्शन फील होने लगता है, आपके लिए मिसिंग एनर्जी फील होने लगती है। यहाँ दो खूबसूरत से स्पैरो बर्ड हैं जो कि बहुत लकी माने जाते हैं, तो ये आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब इनको ऐसा लगता है कि आपके इनके लाइफ में आने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुधरे हैं। इनके लाइफ में आपके आने के पहले सब कुछ बिखरा हुआ था, बट आपने इनको समेट कर रख दिया है। और सिर्फ समेट कर नहीं रखा, आपने इनको स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो होने में मदद करी है। तो ये चीज़ें यहाँ पर पहला ही कार्ड बता रहा है। सेकंड जो सिचुएशन है वो है किंग ऑफ सोर्ड्स। आपके आने के पहले हो सकता है ये बहुत ज़्यादा रूड रहे हों, बहुत ज़्यादा स्टबन टाइप के रहे हों या रही हों, बहुत ज़्यादा किसी से ज़्यादा फैमिलियर नहीं होना, बट आपके आने के बाद इनको विजडम मिली है, आउल की एनर्जी है यहाँ पर। आपके आने के बाद इनका कम्युनिकेशन इम्प्रूव हुआ है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हुआ है, इनके लाइफ में अबंडेंस, देखिए यहाँ पर आपको इतने सारे फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, अबंडेंस की एनर्जी आई है, इनको क्लैरिटी मिली है, इनके लाइफ का इनको मकसद मिला है, इनके लाइफ से जो चीज़ें इनको सर्व नहीं कर रही थी वो अपने आप कट ऑफ हुई हैं या इन्होंने खुद कट ऑफ करे हैं। यहाँ पर भी देखिए, जैसे शिव जी के माथे पर चंद्रमा होता है, वैसे यहाँ पर भी चंद्रमा है और यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि चंद्र की एनर्जी लव लाइफ में आप लोगों के बहुत इफ़ेक्ट डालती है। फिर हमारे पास है फोर ऑफ सोर्ड्स। आप में से कई लोगों का सेपरेशन है इस वक्त, हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में है, हो सकता है लेस कॉन्टैक्ट में है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा
अकेला फील करते हैं, इनकम्प्लीट फील करते हैं, डरा हुआ फील करते हैं, ये आपसे ब्रेकअप तो कर लेते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं, बट इन्हें एक बिलीव है कि आप दोनों कभी अलग नहीं होंगे। क्यों बोला मैंने ये? क्योंकि इस कार्ड के साथ, जस्ट साथ में ये भी कार्ड आया जब भी मैं हंसी थी, द लवर्स की एनर्जी है। यहाँ पर देखिए ब्यूटीफुल सा हार्ट बना हुआ है, यहाँ पर क्रैब की एनर्जी है, स्नेक की एनर्जी है, बटरफ्लाई की एनर्जी है, एंजल आईज़ यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। आप दोनों की जर्नी में स्पिरिट एनिमल्स हो गए। यहाँ पर देखिए स्नेक का पेयर है। आप में से कई सारे लोग डिवाइन जर्नी का पार्ट हैं, सोलमेट से या अपने ट्रू लव से डील करें या अपने डेस्टाइन पार्टनर से डील करें, डजंट मैटर कि वो सोलमेट है, डजंट मैटर कि वो ट्विन फ्लेम है, डजंट मैटर कि वो कार्मिक है, आपका उनके साथ पेंडिंग कर्मा है और आप यहाँ पर मिले हैं एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे के पेंडिंग कर्मास को क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, मतलब जैसे ही आप दोनों अलग होते हैं ये आपके साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं, मतलब इनको ऐसा पता होता है कि मैं अब भी आपसे अलग हो ही नहीं सकता या हो ही नहीं सकती, ये वाली चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। प्लस आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों के मिलने के बाद ही आप दोनों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, कुंडलिनी जागृत हुई है, स्पिरिचुअल हुए हैं आप लोग, तो ये जो चीज़ें हैं ये भी बता रही हैं कि आपके पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, प्यार करते हैं या धोखा दे रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर देखिए यिन एंड यांग की एनर्जी आई है और ये रेवती नक्षत्र का साइन भी है, ठीक है। रेवती नक्षत्र जो है उसमें दो मछलियाँ हैं, बहुत सुंदर मुझे लगता है रेवती नक्षत्र और बहुत ही खूबसूरत ये सिंबल है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर जगलिंग की एनर्जी है। आप में से कई लोगों के पर्सन हो सकता है आपको धोखा ना दे रहे हों, बट ही और शी इज़ जगलिंग बिटवीन टू सिचुएशंस। एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ कोई अदर सिचुएशन है, वो कौन सी सिचुएशन है वो तो सबकी अलग अलग हो सकती है, बट यहाँ पे जगलिंग ज़रूर नज़र आ रही है, इम्बैलेंस एनर्जी ज़रूर नज़र आ रही है। लेकिन आपके पर्सन आपको ये प्रॉमिस भी कर रहे हैं ऑन द अदर हैंड, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देके, कि ये सारी चीज़ें ये बैलेंस भी कर देंगे। यहाँ पर देखिए एक वृषभ की एनर्जी है, एक बुल की एनर्जी है जो कि मेरा साइन है, और यहाँ पर वृषभ की एनर्जी बैलेंस्ड एनर्जी है, अर्दी साइन है, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी है। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं कि इनको बैलेंस क्रिएट करने भी आता है। अगर ये इम्बैलेंस एनर्जी में है तो तभी तक हैं जब तक यूनिवर्स चाहती है, जब ये चाह जाएंगे ये बैलेंस में आ जाएंगे अपने कर्म से, अपने लाइफ में कुछ अच्छे डिसीजंस लेकर। हर्मिट की एनर्जी है, बैलेंस में आने के लिए क्या करने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने की ज़रूरत है, अपने एक कुकून में रहकर तपस्या करने की ज़रूरत है, अपने लाइफ में डिवाइन से अलाइनमेंट में आने की ज़रूरत है, अपने लाइफ में कुछ सही डिसीजंस लेने के पहले एक शांत मन से सोचने की ज़रूरत है, तो ये वो काम भी करेंगे आपके लिए या कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा नाइन ऑफ पेंटिकल्स, इंडिपेंडेंट एनर्जी है, किसी पर कोडिपेंडेंट रहे बिना ये अपनी मर्जी से डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन लेंगे, अपने आप को सुधारेंगे, अपने लाइफ में कुछ बैड हैबिट्स को सुधारेंगे, अपने लाइफ में जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो बैड कर्माज हैं उससे बाहर निकलेंगे, कोडिपेंडेंसी से बाहर निकलेंगे, खुद में सेल्फ लव में आएंगे, और उसके बाद क्या होगा, एक सॉलिड डिसीजन लेंगे जो कि इन्हें बहुत पहले लेना चाहिए था, बट जब सही समय आएगा, जब डिवाइन टाइमिंग आएगा तब ये डिसीजन ये लेंगे। यहाँ पर क्लियरली देखिए एक डिवाइन एनर्जी है और यहाँ पर एम्परर की एनर्जी है, राजा की एनर्जी है। जैसे किंग होते हैं जो असली मैस्कुलिन एनर्जी होते हैं, वो फेमिनिन एनर्जी से रीयूनाइट होंगे, यहाँ पर द लवर्स एंड यहाँ पर द एम्परर। तो आपके पर्सन आपके साथ प्यार करते हैं या धोखा करते हैं वो मैंने इस डेक से काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बता दिया है। दूसरी एनर्जी भी देखते हैं, दूसरे डेक से क्या कार्ड्स आते हैं। विल टेक 5 कार्ड्स ओनली फ्रॉम दिस डेक। प्यार है या धोखा एंजल्स, प्यार है या धोखा, मेरे व्यूअर्स जानना चाहते हैं उनके पर्सन उनसे प्यार करते हैं या धोखा दे रहे हैं, प्यार है या धोखा। फर्स्ट कार्ड वी हैव आर्केंजल शैमुल, आर्केंजल माइकल, आर्केंजल्स खुद आ गए हैं आपके लिए, आपके पर्सन का साइड लेने। देन वी हैव आर्केंजल यूरियल एंड द थिंकिंग मैन। विल टेक
सम मोर कार्ड्स। आज सारे आर्कएंजल्स आ गए हैं आपके पर्सन। देखिए यहाँ पर है सन, यहाँ पर है यिन एंड यांग, और यहाँ पर है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़। वी हैव डोर टू स्पिरिट। देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारी एनर्जी आई है आपके पर्सन पर। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है, अगर आपके पर्सन की एनर्जी वैसी ही है जैसी मैंने बताई है, अगर आपको डाउट होता है तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आर्कएंजल्स आ गए हैं आपके पर्सन के साइड से। उनके सभी जो एंजल्स हैं जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो उनको गाइड कर रहे हैं, वो यहाँ पर आपके पास आ गए हैं ये बताने के लिए कि वो आपके साथ हैं, वो उनको सही रास्ते पर लेकर आएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। और ये भी बता रहे हैं कि यिन एंड यांग एनर्जी है। आप में से कई लोग बैलेंस्ड एनर्जी में हैं, कई लोग अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं। आपके पर्सन भी बैलेंस्ड एनर्जी में आ जाएंगे, आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे सही समय आने पर, एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ भी निकालेंगे। और डोर टू स्पिरिट का कार्ड दिया है ताकि आप जान सकें कि स्पिरिट एंजल्स आपके साथ हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके पर्सन ऑलवेज़ आपके बारे में सोचते हैं, ट्रू लव की एनर्जी है गाइस। तो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से काफ़ी क्लैरिटी मिल गई हो, गाइडेंस मिल गई हो कि आपका और आपके पर्सन का कनेक्शन कैसा है एक दूसरे के लिए, और प्यार है या धोखा। सो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।